टू माय चैनल। आज मैं आपको खमन ढोकले की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लगभग 250 ग्राम बेसन लिया है, 2 टीस्पून शक्कर, 1/2 टीस्पून साइट्रिक एसिड, इसे नींबू सत्व भी बोलते हैं, 1 टीस्पून फुल नमक, 1/2 टीस्पून सोडा, ये मीठा सोडा है, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 नींबू का रस लिया है। तो अभी हम बनाते हैं, इसका पेस्ट बनाना है हमें। इसके लिए हम इसमें सबसे पहले ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे, नमक, साइट्रिक एसिड, शक्कर और हल्दी, सोडा और नींबू का रस हम बाद में डालेंगे, सोडा हमें सबसे लास्ट में डालना है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, लगभग 1 कप पानी लगेगा, पर हम पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बैटर बना लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें ये बैटर इस तरह से मिलेगा। देखिए कितना अच्छे से हो गया, इतना सॉफ्ट लग रहा है, इसमें एक भी लंग्स नहीं है, कितना बढ़िया हो गया, आप देख सकते हैं। इसकी कॉन्टेंसी इस तरह से चाहिए। अब हमने एक पॉट में पानी गर्म करने रखा है और इसमें हमने एक थाली रखी है, प्लेट, इसके ऊपर हमने ऑयल लगा लेके ग्रीसिंग कर लिया इस प्लेट को। आप देख सकते हैं हमारा ये घोल पूरी तरह से रेडी है। अब हमें इसमें सोडा ऐड करेंगे, सोडा डालने के पहले हम इसमें लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे इस पेस्ट में। हमें कच्चा ऑयल ही डालना है, इससे ढोकला अच्छा सॉफ्ट होता है। लगभग मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें शाइन अच्छे से आ रही है ऑयल डालने से, अच्छे से मिक्स करना है और एक ही साइड में हमें इसको मिक्स करना है, उल्टा मिक्स नहीं करना है, सिर्फ एक ही साइड मिक्स करना है, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से, अपोजिट साइड में नहीं करना है। अब हम इसमें सोडा ऐड करेंगे, सोडा डालने के बाद अब हम इसको मिक्स नहीं करेंगे तुरंत, इसके ऊपर ये लेमन का जूस ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मिक्स हो रहा है, कितना अच्छा झाग आ रहा है, इस झाग को अच्छे से आने दें, बाद में 1 मिनट रुक कर भी मिक्स करें, इससे सोडा अच्छे से मिक्स होगा और खमन भी बहुत बढ़िया बनेंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बबल्स आ चुके हैं इसमें। अब हमें इसे मिक्स करना है, सोडा डालने के बाद में बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस ये फेस अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इसका मतलब हमारा सोडा अच्छे से मिक्स हो गया है, समझ लेना। आप देख सकते हैं सोडा कितना अच्छे से वो हमारा बेटर फूल रहा है, ऊपर आ रहा है, देखिए कितने अच्छा दिख रहा है। अब ज़्यादा टाइम ना रखते हुए अब इस पेस्ट को हमें इसमें तुरंत ऐड करना है। इस तरह से हम इसमें ऐड करते हैं, तेज आंच कर देंगे और इसके ऊपर हम एक बड़ी थाली रख देंगे, जिससे कि इसमें स्टीम बाहर ना जाए और लगभग 20 से 25 मिनट से फुल आंच पर होने दें, ऐसे बीच में बार बार खोले नहीं। अब ये खमन पक रहा है, तब तक हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। एक कढ़ाई गर्म करने रखी मैंने, इसमें लगभग 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, ऑयल को गर्म होने दें। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए
उसमें हम लगभग 1 टीस्पून राई के दाने डालेंगे। राई को अच्छे से चटकने दें। आप देख सकते हैं राई अच्छे से चढ़कने लग गई है। हम कम आउट कर देंगे। आप देख सकते हैं राई अच्छे से तड़कने लग गई है। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा भी अच्छे से हो चुका है। अब हम इसमें मैंने ग्रीन चिली कट करके रखी है बारीक, लगभग मैंने 6 से 7 ग्रीन चिली ली है, हम इसमें ऐड कर देंगे। आप इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं। अच्छे से बढ़िया कलर आ चुका है। हम गैस को ऑफ कर देंगे। तेल गर्म है, इसमें हमारी मिर्ची अच्छे से फ्राई हो जाएगी। ज़्यादातर गैस चालू रखेंगे तो मिर्ची जल सकती है। आप देख सकते हैं 20 मिनट हो चुके हैं, 20 से 25 मिनट लगभग। तो हम हमारे खमन को खोल के देखते हैं। वाओ, सुपर, कितने बढ़िया फूल चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, हाथ को भी कुछ भी चिपचिपाहट नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारे खमन पूरी तरह से सिज चुके हैं। अब हम इसके ऊपर जो हमने मिर्ची का तड़का करके रेडी रखा है, ये हम इस पर स्प्रेड करेंगे। आप देख सकते हो कितने बढ़िया हमारे खमन तैयार हो चुके हैं। आप इसके ऊपर हरा धनिया डाल सकते हो। आज हमारे यहाँ जनता कर्फ्यू होने की वजह से हमें हरा धनिया नहीं मिल पाया और करी पत्ता भी नहीं मिल पाया, इस वजह से हम नहीं डाल रहे, लेकिन हमने हरी मिर्च डाली है। अभी हम इसके पीसेस कट करेंगे। देख सकते हैं हमारे खमन कितने बढ़िया बने हैं। इसका स्पॉन्ज भी कितना बढ़िया है, देख सकते हैं कितना फूला है ये, एकदम बढ़िया स्पॉन्ज। मैं आपको इसको दबा के बताती हूँ, देखिए एकदम बढ़िया स्पॉन्ज आया, बिल्कुल बाजार में मिलते उस तरीके की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।